हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं झारखंड के प्रमुख युद्ध को और कवर करते हैं। इसमें देखिए, ये जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है सन डेट, उसके बाद ये नेतृत्वकर्ता झारखंड की ओर से नेतृत्वकर्ता कौन था और अंग्रेज अधिकारी या फिर दमनकर्ता जो जो भी था, तो दोनों के बीच में जो पक्ष में युद्ध चल रहा था यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेट है और यहाँ से युद्ध है। तो चलिए याद करते हैं क्रमवार हम लोग। सबसे पहले जैसे कि कौन सा युद्ध हुआ था झारखंड में, तो ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक चला हुआ था, जिसमें से झारखंड की ओर से जगन्नाथ ढाल नेतृत्व कर रहे थे और दमनकर्ता की ओर से रुक मार्गन था। तो 1767 से 1777 तक, यानी कि 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक चला हुआ था और ये झारखंड का पहला युद्ध था। और उसके बाद चलिए जैसे कि चुआर विद्रोह 1769 से 1805 तक चला हुआ था और इनका नेतृत्व करता रघुनाथ महतो और श्याम गंजन कर रहे थे, और दमनकर्ता की ओर से क्राप्त, या जैसे कि किताब में फ्रॉन्ट भी दिया हुआ है, क्राप्त याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें से आपको याद रखना है 1769 से 1805, यानी कि लगभग 36 वर्ष तक ये युद्ध चला हुआ था रघुनाथ महतो, श्याम गंजम और उधर क्रॉप। दूसरा जैसे कि चेरो विद्रोह या फिर चोरो विद्रोह जो भी याद रखिए आप लोग, 1770 से 1818, यानी कि 30-18, लगभग जो है 45 या 48 वर्ष, लगभग 48 वर्ष ये युद्ध चला हुआ था। चित्रजीत राय और जयनाथ नेतृत्व कर रहे थे झारखंड की ओर से और अंग्रेज अधिकारी गुड़ियार। दूसरा चलते हैं भोक्ता विद्रोह, 1770 में शुरू होता है। 1770 में भोक्ता विद्रोह शुरू होता है, उसके बाद 71 में समाप्त हो जाता है, यानी कि 1 वर्ष तक चलता है। ये युद्ध काफी छोटा था, काफी कम संघर्ष हुआ इसमें, इसीलिए ये 1 वर्ष में ही समाप्त हो गया। और यहाँ नेतृत्व कर रहे थे जयनाथ सिंह, उसके बाद जेकब केमक अंग्रेज अधिकारी आता है, जेकब केमक। उसके बाद चलिए घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 तक चला था, ये भी 1 वर्ष तक चला था। ये छोटा मोटा विद्रोह ये सब हुआ करता था, छोटा मोटा विद्रोह जो है ये सब दिया हुआ है, जैसे कि विभिन्न घटवार सरदार के द्वारा किया गया था, इस विभिन्न घटवार समूह के द्वारा किया गया था। इसमें कोई जो है अहम भूमिका, मेन रोल करने वाला नहीं था, इसमें जो है एक समूह, घटवार समूह के द्वारा किया गया था और इसमें भी जेकब केमक आए हुए थे। तो आपको ये दो युद्ध जो है क्रमवार है, एक भोक्ता विद्रोह और एक घटवाल विद्रोह, जिसकी भोक्ता विद्रोह 1770 में शुरू होता है और 71 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद जस्ट 1 वर्ष बाद 1772 में घटवाल विद्रोह शुरू होता है और 73 में खत्म होता है। दोनों युद्ध 1-1 वर्ष तक चलता है और दोनों में जो है अंग्रेज अधिकारी जेकब केमक आता है। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह 1772 में शुरू होता है, उसके बाद 1782 में, 1772 में शुरू होता है और 1782 में समाप्त होता है, यानी कि 10 वर्ष तक ये जो चलता है, ये 10 वर्ष तक चल रहा है ये युद्ध। इसके बाद जयनाथ और रानी सर्वेश्वरी यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं, रानी सर्वेश्वरी झारखंड की ओर से और क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी दमन कर रहे हैं, और झारखंड की ओर से जयनाथ और रानी सर्वेश्वरी 1772 से 1782, जो कि 10 वर्ष तक चलता है। उसके बाद आता है तमाड़ विद्रोह 1782 में शुरू होता है और 1821 तक चलता है, जो कि लगभग 18 और इधर 21 आप जोड़ लीजिए, 39 वर्ष लगभग चलता है ये युद्ध, 39 वर्ष। अलग अलग चरणों में यह हुआ, ये काफी लंबा संघर्ष चला इन दोनों के बीच में। तमाड़ विद्रोह जो चला ये लगभग लंबा संघर्ष चला हुआ, इसलिए इसमें जो है अलग अलग चरणों में
संघर्ष चला, विभिन्न अंग्रेज अधिकारी आए और फिर यह युद्ध चलता रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।